हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं द इंडियन डायरीज़। इंडियन डायरीज़ का आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग किसी भी कंट्री के लिए जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां से रिस्पांस आता है और रिस्पांस आने के बाद फिर आपको क्या स्टेप उठाना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यही नहीं मैं इस वीडियो में आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगा कि रिसेंटली मैंने एक माल्टा के लिए एक जॉब अप्लाई किया था और वहाँ से रिस्पॉन्स आया है, और इससे पहले भी मुझे रिस्पॉन्स आ चुका है जिसमें उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, और इस बार भी उन लोगों का रिस्पॉन्स आया है और उन्होंने इस बार भी मुझे रिजेक्ट कर दिया है एक दूसरे पोस्ट के लिए। तो यही मैं डिस्कस करूँगा कि इस तरीके से जब आपको अप्लाई करते हैं और जॉब्स के लिए बार बार आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आप क्या करेंगे। साथ ही साथ इसमें वो भी इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है कि इसमें आपको फर्दर क्या स्टेप उठाना है, तो ये सब क्या कर पाएंगे इसके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी मोटिवेट करूँगा कि इस तरीके सिचुएशन में आप डीमोटिवेट नहीं होंगे और बार बार अप्लाई करते रहेंगे, आप जो अप्लाई करने का प्रोसेस है उसे रोकेंगे नहीं। तो इस सब के बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। और वहाँ जाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट कर दूँगी, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी कि ये एक मैंने अप्लाई किया था जॉब के लिए और वहां से मुझे रिस्पांस आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं वेयर हाउस सुपरवाइजर के लिए मैंने अप्लाई किया था LIDL माल्टा का, और यह था जॉब ओपनिंग। ये LIDL माल्टा ये काफ़ी बड़ी सुपर चेन मार्केट है, पूरे वर्ल्ड में इसके ब्रांचेस है और इसके स्टोर्स खुले हुए हैं, तो ये माल्टा के लिए भी खुला हुआ है, इसके लिए मैंने अप्लाई किया था और इसमें एंट्री लेवल का एक्सपीरियंस चाहिए था, ठीक है। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट था इसमें, मैंने अप्लाई किया था। इसमें क्या है और मतलब क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और कैसे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा सब इसमें मेंशन था। ये सब देखने के बाद मैंने इसमें अप्लाई किया था और इस पोस्ट के रिप्लाई मतलब अप्लाई करने के बाद मुझे वहाँ से रिप्लाई आया और इस रिप्लाई में ये लिखा गया है कि मतलब इस पॉइंट पर वो लोग मुझे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में पढ़ सकते हैं कि वो लोग मुझे इस बार नहीं ले रहे हैं, मुझे रिजेक्ट कर दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनके यहाँ और भी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, तो आप उनको देखें, अगर आपके साथ वो फिट करता है, आपके मैच में प्रोफाइल में मैच करता है तो आप उसमें अप्लाई करें और अप्लाई करें और डेफिनेटली आपको वहाँ से जॉब मिल पाएगा अगर आप सब कुछ उसमें क्राइटेरिया उनका मैच करते हैं। तो उन लोगों ने ये मुझे इनक्रेज किया, बताया कि हाँ ये आपके साथ अभी भी ये रास्ता खुला हुआ है। इसके अलावा उन लोगों एक और बात मेंशन किया कि ये जो मतलब जो मैंने अप्लाई किया था इस पोस्ट के लिए, ठीक है, तो इस पोस्ट में जो उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे नहीं लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मैं बाकी जो पोस्ट में अप्लाई कर रहा हूँ चाहे आने वाले मतलब किसी पोस्ट में अप्लाई करूँगा तो उसमें भी मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पोस्ट में जो अप्लाई किए थे इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, इसलिए हमने आपको रिजेक्ट किया है, आप अगला दूसरे पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपका सब कुछ फिट हुआ तो आप उसको आपको जॉब मिल पाएगा। तो ये आपको फर्दर बताया कि किस तरीके से आपको स्टेप उठाना है इस कंडीशन में, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक छोटा सा और इसमें इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर जब इस तरह की कंडीशन आपके साथ आया तो आप इसमें आपको घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए कि मैं क्या करूं, जॉब्स में अप्लाई कर रहा हूं मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इस तरीके सिचुएशन में आपको बस जिस तरीके से आप अप्लाई कर रहे हो उस तरीके से अप्लाई करते रहें, ठीक है, क्योंकि आप मान लीजिए कि दिन भर में 10 से 15 आप जॉब्स को अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि उसमें 4 से 5 में आपको रिप्लाई आया, उसमें 4 से 5 में आपको वो लोग ना कर दे, मतलब वो लोग रिजेक्ट कर दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई आप एलिजिबल नहीं चाहे आपको कोई जॉब नहीं मिलेगा। आप अप्लाई करते रहें, एक मतलब डेली 10 से 15 जॉब को अप्लाई करते रहें और करने के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें आपको वो इस तरीके से आपको जॉब अप्लाई करने की वजह से और आपका एजुकेशन और क्वालिफिकेशन मैच करने के बाद आपको वो जॉब मिल जाएगा। तो ये इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। और जितने भी लोग आज तक फॉरेन में गए हैं जॉब अप्लाई करने के साथ उनके साथ भी ऐसा हुआ है, तो वो लोग भी यही प्रोसेस फॉलो करते थे, वो लोग डीमोटिवेट नहीं हो जाते थे कि कहीं से वो लोग आ गया तो मैं क्या करूं अब तो नहीं जा सकता। मुझे भी ये मिला है तो मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ हूं, थोड़ा सा बुरा लगा है कि मैं अप्लाई किया था क्योंकि दोनों पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था, दोनों में मुझे रिजेक्ट मतलब दोनों में उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, तो थोड़ा सा बुरा लगा था, लेकिन इतना भी बुरा नहीं लगा है कि मैं आगे अप्लाई नहीं करूं। तो इस तरीके से मैं आगे अप्लाई करता रहूंगा और ये जस्ट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए करता हूं और मैं खुद से भी करता हूं कि मैं जस्ट ट्राई करता हूं कि क्या है नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत दिनों से मैं इस पर वीडियो बनाता हूं, तो मैं भी जस्ट कुछ कोई जो ऐसा ऑप्शन निकलता है तो मैं उसमें अप्लाई भी कर देता हूं। तो बस यही वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप लोगों को बताऊं कि देखिए इस तरीके से अगर जब आपके पास रिप्लाई आता है तो उस मेल में क्या लिखा रहता है, उसमें कैसे आपको स्टेप उठाने के लिए बोलता है। साथ ही साथ इसके बाद आप डीमोटिवेट मत हो जाइए और इस तरीके से आप जिस तरीके से आप अप्लाई करें उस तरीके से आप अप्लाई करते रहें। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई सवाल या क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।